बिलेनियर अजय पीरामल के बेटे आनंद पीरामल सुर्खियों में हैं। असल में आनंद पीरामल दिसंबर में देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के दामाद बनने जा रहे हैं। वैसे आनंद पीरामल सिर्फ अपनी शादी की खबरों से चर्चा में नहीं है, वह 10 अरब डॉलर के पीरामल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा वे पीरामल इंटरप्राइजेज के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पीरामल रियल्टी के फाउंडर भी हैं। आनंद पीरामल की खास बात है कि उनका इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, वे ही गरीबों की चिंता करते हैं। इसी की मिसाल है पीरामल ई स्वास्थ्य, जिसके जरिए देश के आम आदमी का इलाज महज 30 से 50 रुपए में भी हो जाता है। असल में आनंद पीरामल ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करने के पहले पीरामल ई स्वास्थ्य नाम से स्टार्टअप्स शुरू किया था। ग्रुप की वेबसाइट के अनुसार स्टार्टअप्स का उद्देश्य था कि जिन इलाकों में डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है, उन इलाके में रहने वालों के इलाज में अड़चन न आए। यह एक तरह से टेलीमेडिसिन की देश में शुरुआत थी। यह एक ऐसा सेंटर है जहां आकर आम आदमी टेलीफोन के जरिए डॉक्टर से अपनी बीमारी बताकर उसका समाधान कर सकता है। इसके बदले डॉक्टर उसे दवाएं बताता है जो उस सेंटर पर कम से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन सब के लिए महज 30 से 50 रुपए ही खर्च आता है।